डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हम निजी कनाल पातपाम एरिया में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेट है और गेट पे बिल्कुल हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है बादल फटने की वजह से पानी का बहाव जो है वो तेज़ हुआ है और फौरी तौर यहाँ पे जो इरीगेशन मुलाजमीन है वो अपने फ़र्ज़ से यहाँ पे अंजाम देते हुए और ये दोनों कनाल जो हैं ये ओवरफ्लो हुए थे कुछ देर पहले, जो ओवरफ्लो हुए थे और रोड के ऊपर से जो है ये पानी बह रहा था, लेकिन अब जो हालांकि फ्लो कम हुआ है लेकिन यहाँ पे जो है इसे डाइवर्ट कर लिया गया है, इसे डाइवर्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इरीगेशन मुलाजमीन जो है यहाँ पे है निजी कनाल पातपाम एरियाज में है और यहाँ पे जो फ्लो था, जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, आप देख सकते हैं कि पानी कितना तेज़ है। हालांकि पानी जो है इस पुल से ऊपर से पानी पहले जो है वो आ रहा था, लेकिन अब पानी की सतह हालांकि थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये जो है सैंगलू साइड में ना जाए और जो वो दूसरा कनाल है वहाँ पे ना जाए, इसलिए इसे जो है यहाँ पे ओवरफ्लो को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि ये जो है वहाँ पे मैन टाउन से जो सैंगलू जाता है वहाँ से किसी को जो है परेशानी ना हो। और ख़ासकर हमने पहले देखा जब हम आए थे तो इस एरियाज में जो है जो रोड है, जो मग रोड है, कहीं एरियाज में जो है पानी तेज़ था, पानी रोड्स पे था और लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप जो है इन कनाल से दूर रहिएगा। हम पहले भी हमने आप लाइव किया था, उस वक्त भी हमने कहा था कि जिस तरह से बारिश तेज़ बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो है बादल फटने की वजह से जो है कहीं सैलाब जैसी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, हमने पहले भी कहा था। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि हालांकि ओवरफ्लो जो है बड़ा तेज़ ओवरफ्लो इस वक्त यहाँ पे है और मुलाजमीन भी यहीं पे हैं जो अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे ओवरफ्लो को छोड़ा जा रहा है। हालांकि ये आप देख सकते हैं दूसरा गेट जो यहाँ पे है, ये सैंगलू यानी मेमंदर से होता हुआ जो कनाल है, इरीगेशन कनाल है वो है और यहाँ पे जो है यहाँ से भी ये कनाल आता है, ये पूरा फुल था और अभी हालांकि इसमें पानी की सतह थोड़ी कम हुई है, लेकिन यहाँ से जो मेन कनाल ये है ये पूरा भरा हुआ था और ऊपर से जो ये पुल था, पुल के ऊपर से पानी आ रहा था, लेकिन अभी इसकी सतह में कमी आई है। लेकिन रफ्तार बिल्कुल तेज़ है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपर रीचेस पे कहीं पे भी जो है कहीं ना किसी एरिया में जो है क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसके वजह से जो है पानी की सतह जो है वो पानी का बहाव तेज़ हुआ है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक दरिया जैसी सूरत हाल जो सूरत है वो इख्तियार की हुई है। ये इस वक्त निजी कनाल पातपाम एरियाज में हम बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ के एम्प्लॉज़ भी हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट से, जिन्होंने जैसे ही इनको इंफॉर्मेशन पहुँची, हालांकि यहाँ पे इनका क्वार्टर भी है, यहाँ पे एम्प्लॉज जो है वो यहाँ पे रहते होंगे शायद तो, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ऐसी इंफॉर्मेशन पहुँची है कि यहाँ पे जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है कहीं पे, तो उसके बाद जो है फौरी तौर यहाँ पे एम्प्लॉज आए और इन्होंने एम्प्लॉज़ ने यहाँ पे जो है फौरी तौर गेट जो ऑफ है यहाँ से निकलता है और यहाँ पे डाइवर्ट किया ताकि उस एरिया से पानी जो है वो काम किया जाए, मेमंद एरिया से जाता है और पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज़ है और लोगों से भी गुजारिश है कि वो जो है वो दूर रहे। हालांकि ये पानी जो है अब बाजार से भी होता हुआ जाएगा, लेकिन कहीं इसे डाइवर्ट दरिया में जो है वहाँ पे इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। ये एम्प्लॉज़ हैं और इनसे भी हम जो है जानने की कोशिश करने और बात की, तो बात करेंगे यही बोलना है कि एक्चुअली हम तो कैजुअल डिलीवर है, काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय जो थे उनको आज से ड्यूटी यहाँ पे डीसी ऑफिस में, ये जो है इलेक्शन की ड्यूटी है उनको वहीं पे जाना है। कैजुअल लेबर जो इसमें परमिट जो मुलाजिम दो है तो वो उधर ही है डी सी ऑफिस। ऊपर से आ गया पानी, किसको पता था इतना आ गया, ये हम यहाँ से ओवरफ्लो छोड़ते हैं, वहाँ से सब बाइक बच जाता है, वहाँ से बस्ती आ रही है नीचे से वो बच जाती है उससे। एम्प्लॉइज एक है कैजुअल लेबर, कितना अच्छा काम करते हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे नहीं होते तो ऐसा हो सकता था कि ये वाला कनाल जो है यहाँ पे पानी ज़्यादा होने की वजह से बस्ती की तरह पानी जाता और कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता। ये कैजुअल लेबर्स जिनकी देर ना मांग होती है कि इनको परमिनेंट किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से 61,000 से ज़्यादा कैजुअल लेबर्स जो है अपनी मांग पूरी करने के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये गेट बंद होने की वजह से जो फ्लो है यहाँ पे कम हुआ है और ये फ्लो कम होने की वजह से जो पानी
जो है बस्ती की तरफ जाता है, मेमंद एरिया से बागी एरिया में जाता है, वहाँ पे फ्लो कम हुआ है, लेकिन जो इसका ये डाइवर्ट यहाँ से कर लिया गया है और आप देख सकते हैं कि कितना फ्लो इसमें तेज है, कितना दरिया जैसा जैसी सूरत हाल जो है ये पैदा हुई है। और गेट जो है यहाँ पे दो गेट जो है वो खोल दिए गए हैं ताकि इसको जो है डाइवर्ट किया जाए, नदी की ओर डाइवर्ट किया जाए, और इस दरिया को जो है नदी की ओर डाइवर्ट किया गया है। लेकिन कुछ देर पहले सूरत हाल जो थी वो अलग ही थी, सैलाब जैसी सूरत हाल थी यहाँ पे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ऐसी कुदरती आफत आई है, क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और क्लाउड ब्रस्ट की वजह से जो है सैलाब जैसी सूरत हाल मगर रोड में हुई है। दरिया जो है पानी जो है वो रोड्स पे जो है चल रहा है, लेकिन जैसे हम आए हमने भी देखा कि वाकई तौर पर पानी जो है रोड पे चला गया था और रोड कहीं ना कहीं ब्लॉक हुई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे समय टाइम गुजरता गया तो इसकी सतह में जो है इसकी रफ्तारी जो तेज़ रफ्तार थी इसमें कमी देखने को मिली है। हालांकि क्योंकि इसमें काफ़ी कनाल्स ऐसे हैं, इन लोगों ने पहले से डाइवर्ट कर रखे हैं, ऊपर भी एक दो जगह पे पानी काटने की वजह से यहाँ पे जो है बहाव हुआ है वो कम हुआ है, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो कहीं एरियाज में बहाव जो है यहाँ तेज़ था, रोड पर पानी आया हुआ था, लेकिन बर वक्त कार्रवाई जो है इरीगेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमन ने की है। और जो कि हालांकि एम्प्लॉय आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कैजुअल लेबर है, और हालांकि जो एम्प्लॉयज जो है अच्छी तरह से अंजाम दिए, और इस यहाँ पे जो है तेज़ बहाव जो था और इसको यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया ताकि आगे बस्ती में नुकसान ना पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमने पहले भी कहा था कि नदी नालों वाटर बॉडीज़ के नज़दीक नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अगले 48 घंटों में सूरत हाल कुछ भी हो सकती है, सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है यानी बादल फटने की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। इसीलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचे, लोग जो है नदी नालों के नज़दीक ना आए, करीब ना आए, दूर रहें, क्योंकि जब बादल इसकी रफ्तार तेज़ होती है कोई ना कोई जो है इसके बहाव में आ सकता है, इसकी जद में आ सकता है, खासकर बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं इससे दूर रहें, औरतें दूर रहें, और नदी नालों के करीब जो है अगर आप रहते हैं तो अपने फैमिलीज़ को, अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को जो है नदी नालों के करीब ना रखें, ताकि जब ऐसी सूरत हाल अचानक पैदा हो जाए, जब बारिशें हों तो क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है यानी बादल फटने की वजह से पानी का बहाव तेज़ हो सकता है, जिसकी जद में बच्चे बुज़ुर्ग आ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आप नदी नालों के करीब रहते हैं और ऐसी सूरत हाल जो है आपके एरिया में हो सकती है बारिश के दौरान, हालांकि महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशनगोई की गई है कि अगले आने वाले 36 घंटे जो हैं बड़े जो है ख़तरनाक साबित हो सकते हैं बारिश के हवाले से। बारिशें हो सकती हैं, तेज़ बारिशें हो सकती हैं हाई रिचेस में, अगर बात की जाए जिले शोपियान के जो पीर पंजाब रेंज हैं वहाँ पर जो है हैवी रेन होगा, बारिशें होंगी, जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल जो है सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और लोग जो हैं जो नदी नालों और के किनारे रहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों, अपने फैमिलीज का ख्याल रखें, ताकि वो नदी नालों के किनारे पे ना जाएं, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है यानी बादल फटने की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आपके बच्चे या आपकी परेशानी जो है का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से हम दिखा रहे थे कि किस तरह से जो है अचानक क्लाउड ब्रस्ट की वजह से पाकवान शोपियान में जो है सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी। चलिए मेरे किसान के लिए मोहम्मद आसिफ।